दोस्तों, हमने आज तक जितनी भी रेसिपी बनाई है उन सब में पानी का योगदान सबसे ज़्यादा है। और जितना हक पानी का मनुष्य को है उतना ही पशु पक्षियों को भी है। पशु पक्षी मनुष्य के अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। एक जानवर से मनुष्य को उसकी वफादारी और प्रेम करने के गुण को सीखने की आवश्यकता है। अर्थात जानवर हमारी करुणा और सम्मान के योग्य है, इसलिए सभी को जानवर के प्रति नरम होना चाहिए और उनकी ज़रूरतों को ध्यान देना चाहिए। आज का विषय है पानी। दिनों दिन चढ़ते पारे के साथ बढ़ रहे तपिश ने मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों का हाल भी बेहाल कर रखा है। गर्मी के इस मौसम में हर किसी को पानी की ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है। मनुष्य तो कैसे भी करके अपनी पानी की ज़रूरत पूरी कर लेता है, लेकिन मूक पशु पक्षियों को पानी नहीं मिलने के कारण यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। मूक प्राणी के लिए जीवन उतना ही प्रिय है जितना इंसान के लिए है। जैसे ही कोई इंसान खुशी और दर्द चाहता है, वैसे ही अन्य जीव भी चाहते हैं। अगर एक आत्मा का मतलब है कि प्रेम और वफादारी और कृतज्ञता महसूस करने में सक्षम होना, तो जानवर मनुष्य से ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो बिस्किट क्यों ना तुम पशु कोई चीज़ नहीं है बल्कि जीवित जीव है जो हमारी करुणा, सम्मान, दोस्ती और समर्थन के योग्य है। इंसान और कुत्ते के बीच यह मुख्य अंतर है कि यदि आप भूखे कुत्ते को खाना खिलाकर उसे समृद्ध करते हैं तो आपको कभी काटेगा नहीं। पशु ऐसे सहमत दोस्त है जो कोई सवाल भी नहीं पूछते, ना कोई आलोचना नहीं देते। ये पानी पी, पानी 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 पी, पानी पी, पानी के हाँ शाबाश। पानी पी, पानी पी, पानी पी। मम्मा 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 ठीक है। बुबू मम्मा 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 पार्टी है, पार्टी है, पार्टी है। कसारे किचन आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता है कि गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है, आप भी आपके एरिया में अगर ऐसे भटकते हुए जानवर रहेंगे जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, चिड़िया और अन्य जीव,
तो आप उनके लिए आपके घर के बाहर एक कटोरा पानी या कोई बर्तन में आप पानी रख दीजिए। इंसान तो अपनी भूख मिटाने के लिए बोल सकता है, बट ये मूक जानवर नहीं बोल सकते। कुछ अच्छा काम कीजिए तो आपको शांति मिलेगी। हमने तो कहावत सुनी होगी और पढ़ी भी होगी कि जानवर इंसान के अच्छे दोस्त होते हैं, और हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर आपको हमारे संदेश अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए। थैंक यू।